Hey, what's up guys? This is Ritesh and welcome to the another video of Ritesh Creations. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope कि आप सभी ठीक होंगे. So guys, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल CV एडिटिंग. और गाइज, ये बहुत ही नॉर्मल रिटचिंग होगी जिसे आप इजिली अपने फोन में कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं. और गाइज, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही सभी लोग बेल आइकन को दबा देना क्योंकि घंटी दबाने पर ही नोटिफिकेशन आएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो फोटो है कुछ इस तरीके से खिंचा हुआ होना चाहिए. आपके DSLR से या फोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें पीछे, क्योंकि ब्लर नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मली बैकग्राउंड को रेज करने वाले हैं. सो गाइस, इसके बाद हम बैकग्राउंड को रेज करने बाद हमारा फोटो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा. और यदि आप रियली में नहीं जानते कि बैकग्राउंड कैसे इरेज किया जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक मिल जाएगी, आप आराम से देख लीजिए. बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल है तो बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे बैकग्राउंड है जो कि मैंने खुद से फोटो सबसे तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए. तो हम सबसे पहले सेंड करेंगे. गाइस, सेंड करने के बाद हम इसे ले जाएंगे PicsArt एप्लीकेशन में. तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर PicsArt एप्लीकेशन ओपन हो रही है. सो गाइस, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड हमारी एप्लीकेशन में आ चुका है. सो गाइस, इसके बाद अब हम इसमें कुछ बोके के इफेक्ट डालेंगे. तो उसके लिए मैं देखिए ऐड फोटो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से एक बोके का इफेक्ट का जो लेयर है उसे यहाँ पर लगा दूंगा. तो आप देख सकते हैं कि बोके इफेक्ट आ चुका है. लेकिन अभी आप बोलेंगे यार इससे तो कुछ खास हुआ नहीं, तो आगे देखिए, आगे देखते हुए आपको मज़ा आने लगेगा. सो गाइस, इसके बाद अब देखिए हम दोबारा ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे. और गाइस, अब यहाँ से आप अपने जो मॉडल है, आपने अगर पहले से इरेज किया हुआ है तो आप उसे यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि मैंने पहले से बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है. तो आप कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं उसके लिए वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले का जो बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है. और गाइस, आप इसमें ध्यान दें कि इसमें जो बैकग्राउंड इरेज है वो हमने नीचे का पोर्शन छोड़ दिया है मॉडल के लिए, और आपको बस पीछे पीछे का बैकग्राउंड इरेज करना है. और यहाँ से अब आपको डन नहीं करना है, यहाँ से आप इरेज पे क्लिक करेंगे. अगर आपके जैसे हेयर्स एक्स्ट्रा हैं तो आप उन्हें यहाँ से इरेज कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसमें कस्टम हेयर PNG यूज़ करना चाहते हैं खुद से बनाया हुआ या डाउनलोड किया हुआ, तो आपको इन हेयर्स को हल्का हल्का सा रिमूव करना होगा. तो ये देखिए, मैंने इन हेयर्स को रिमूव कर दिया है. इसके बाद मैं यहाँ से डन कर दूंगा, और यहाँ से इसे कर दूंगा डन. डन करने के बाद ऐड फोटो पर जाऊँगा, और यहाँ से देखिए मैं अपना हेयर का जो PNG है अब इसमें यूज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ऑपेसिटी को पूरा. तो ये देखिए गाइस, ये हेयर PNG यहाँ पर सेट हो चुका है. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हेयर PNG लगा है यहाँ पर. हम इसे यहाँ से कर देंगे डन. गाइस, डन करने के बाद अब इसमें बहुत ही सिंपल हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं. तो गाइस, हम इसमें दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले हम इसमें जितने भी बैकग्राउंड PNG है उनको सेट कर लें. तो उसके बाद मैं आपको इसमें रीटचिंग बताऊँगा कैसे करते हैं. तो गाइस, ये हो चुका है यहाँ से डन. गाइस, डन करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाना है. अब इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे करेक्शन पे जाना है. करेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ फेस फिक्स पे जाना है. गाइस, फेस फिक्स पे जाने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी को लगभग रख देना है 10 के आसपास. इसके बाद आप फोटो को थोड़ा सा जूम करेंगे. जूम करने के बाद आपको अपनी स्किन पर इसे फेड देना है. तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो स्मूथ हो रही है. तो गाइस, ये देखिए हमारी स्किन कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्मूथ हो चुकी है. और मैं इसे नीचे से भी कर देता हूँ. इसके बाद गाइज, हल्का सा पैरों की तरफ कर देता हूँ. गाइज, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल पेंट, जिससे कि हमारा फोटो अगर हल्का बहुत फटा हुआ भी है तो वो हमें नहीं पता चलने वाला है. तो मैं इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आर्टिस्टिक पे जाऊँगा. आर्टिस्टिक पे जाने के बाद मैं ऑयल पेंटिंग पे क्लिक करूँगा. और गाइज, यहाँ से आप इसके जो अमाउंट है उसे गाइज आप लगभग 9-8 के आसपास रखेंगे, या और उसे लगभग गाइज 5 के आसपास रख लीजिए. रखने के बाद अब ये देखिए, मैं यहाँ पर फोटो को करता हूँ जूम. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो स्किन है वो अच्छी नहीं लग रही. तो हम यहाँ ऊपर इरेजर पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहाँ से अब इसे चेहरे और हाथों पे से हटा देंगे ताकि ये अच्छा लगे. तो ये देखिए, मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ. आप इसे हेयर्स पे से भी हटा दीजिए, क्योंकि हेयर्स यहाँ पे अच्छे नहीं लगने वाले. तो ये देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ. गाइज, मैंने इसे यहाँ से भी इरेज कर दिया. इसके बाद आप देख सकते हैं, तो गाइज हमारा ऑयल पेंट यहाँ पर डल चुका है. इसके बाद हम इसे यहाँ से कर देंगे डन. गाइज, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे फोटो को यहाँ ड्रॉ टूल में जाएंगे. ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फोटो को सेव कर देंगे. जी हाँ गाइज, अब इस फोटो को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए बस गाइज आप 1 मिनट और दीजिए. तो इसके बाद देखिए, हम सेंड पे क्लिक करेंगे. सेंड पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करनी है. जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही चुना. अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ टूल्स पे क्लिक करेंगे. और टूल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सिलेक्टेड टूल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्टेड टूल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम शर्ट पे क्लिक करेंगे इसे. और शर्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसकी सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा दीजिए और ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर दीजिए गाइज. गाइज, इसके बाद एक और लेंगे, और गाइज इसे हम पैंट पर करेंगे. तो ये पैंट का कलर जो है इसे सैचुरेशन को बढ़ा देंगे यहाँ से. और ये देखिए, सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा देंगे.
और आप इसकी बैटनेस को कम कर देंगे। गाइज ये यहाँ से हो गया डन। इसके बाद एक और लेंगे गाइज, अब आपको इसके चेहरे पे क्लिक करना है और हम इसके चेहरे को ग्लो करेंगे। फिर इसके बाद हम हाथों पे, तो आप देख सकते हैं हाथों को हमने ग्लो कर दिया। इसके बाद एक नीचे वाले पैर पे। गाइज बहुत ही इजी स्टेप है ये, आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए गाइज, और हमने इसे यहाँ से कर देंगे डन। गाइज डन करने के बाद दोबारा से आएंगे और गाइज अब आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट का यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपना काम कर रहा है। गाइज ये हो चुका है। अब आप देखिए इसकी ओपेसिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे या अपने हिसाब से। गाइज ये आपके फ़ोटो पे डिपेंड करता है, तो मैं इसे लगभग इतना रखूँगा और यहाँ से कर दूँगा डन। गाइज डन करने के बाद इसमें अभी एक चीज़ और हमें करनी है कि इसके जो पिक्सल्स है अगर आपके फट चुके तो उसे कैसे ठीक करें। उसके लिए आप देखिए यहाँ शार्पिंग को हल्का सा बढ़ा देंगे और गाइज आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर कम रखेंगे तो आपके जो फोटो है वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से डन करने के बाद गाइज आप इसमें हल्की सी रिटचिंग मतलब ट्यून इमेज वगैरह की दें तो ये फोटो आपका और भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर सैचुरेशन को मैं रहने देता हूँ, एम्बियंस को हल्का सा बढ़ा देता हूँ। गाइज उसके बाद हाईलाइट कर देता हूँ फोटो को, शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और वार्म्थ को हम हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइज़ ये देखिए हमारा फोटो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमने ये फोटो जो है पूरा का पूरा गाइज़ बनाया है एंड्रॉयड मोबाइल से, ना हमने किसी फोटोशॉप का यहाँ पर यूज़ किया। जी हाँ, जो बैकग्राउंड है वो हमारा फोटोशॉप के द्वारा बनाया गया, तो इतना तो गाइज़ चलता है। तो गाइज़ ये देखिए कैसी लगी गाइज़ आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।